आज में जो आयत पाक तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला हमें भर गया है मुस्तफा में जाने का हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो जरूर यानी आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह से माफी तलब करें, रसूलों उनके लिए मगफरत की दुआ करें। लो अल्लाह को तौबा को कबूल करने वाला रहमान फरमाने वाले पाएंगे। इस आयत पाक में हमें अल्लाह ताला हुजूर पाक से मंसूरत होने का हुक्म फरमा रहे हैं, इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि बखुदा खुदा का यही नगर नहीं और कोई मगर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि हमको हर वक्त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक से ताल्लुक जोड़ना चाहिए। सहाबा जब भी कोई हाजिर होती तो इधर उधर जाने के बजाय हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हो और अपने सारे दीनी व दुनियावी काम नबी पाक के सामने पेश करते, सारे सवालों के जवाब अता फरमाते। इसलिए आला हजरत फरमाते हैं कि तेरे कदमों में गैर काम क्या देखे, तेरे कदमों में गैर काम क्या देखे, कौन हम कहते हैं कि हमको अकेला ना समझना, सहारा देने के लिए पास लोगों को सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातहू।
अच्छा मैंने कहा था पहले बार बार मुस्तफा ना बाबा बुलंद गुरु शरीफ पेश कर पढ़ो अल्लाह اللهم صل على سيدنا النبي جنا وصلنا على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين अभी से बात में आके के वक्त थोड़ा सहाबा रहता है मैं गाली कहना देखे अल्लाह ताला हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया है हजरत इब्राहिम को कलीमुल्लाह बनाया है हजरत मूसा को कलीमुल्लाह और ईसा को रहमुल्लाह बनाया है तो अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं आया मैं सहाबी जी गुफ्तगू को सुनी ना फरमायो कि मुनी साहब आवाजी सुनूं वाले सुनियो से इब्राहिम कलीमुल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ईसा रहमुल्लाह आदम सफीउल्लाह अल्लाह वाना हबीबुल्लाह लेकिन खबरदार आ अल्लाह जो महबूब है आ हबीबुल्लाह है मारू असान से टेंता सुनी हजरत नबी जिसान इतरो बया करिया था कि रसूल पाक के अल्लाह के मिलाए ना शरीक बनाया था तो पर गले थे यो असा रसूल पाक के खुदा नेता जब अल्लाह जो हबीब चौथा तो शरीक कह के गवा जो हिस्सा से जोड़ते जैदा वो छोरा मैंने एक कहता छे थे बोए बाके अर्द अर्द मिले क्योंकि बोए बा शरीक है पर असा हुजूर के अल्लाह जो महबूब चौथा अने मोहिम पंजे महबूब के अड़को नो पर पूरो हक दिया था तदे आला हजरत चेता मैं तो मालिक की कहूंगा कि वो मालिक हबीब यानी महबूब मोहिम में नहीं मेरा तेरा सलाम वालेकुम नबी पाक के मुताबिक समाज कई दावा के नबी की शान ही है कि अल्लाह ताला खाली इजरात की ही या हित्रो न बल्कि बरेली जो तजदार तो मैं तुम्हारी भी कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व महीब में नहीं मेरा तेरा अजीन किराम नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परिये सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह हम तो बुदाना या हबीब अल्लाह हम तो बुदाना या रसूल अल्लाह हम तो बुदाना या हबीब अल्लाह कभी तो सात गुंबद का हम भी देखेंगे कभी तो सात गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह गुंबदे हजरा से टकरा हुए बूंदे वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे सुनहरी जहानियों का यो नजारा हम भी देखेंगे सुनहरी जहानियों का यो नजारा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे बोलो ना हमको बोला Thank you.
मेरे मियाँ के रोता है। नारे रिसालत
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़रीन इकराम जल्द से जल्द आई आधी जगह पे मकीन पे बिनो इंशाल्लाह ताला पाके लो लाजवाब खिताब समाप्त कर दूं है सारी वसल्लम अजी इसके लिए भी मैं कहन जल्दी नहीं हुसैन पटेल से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। अज़रीन इकराम इन बुढ़िया आऊँ हाजी अयूब बाबरा के विनती कई कि हरत अलामा मौलाना नेमतुल्ला शाह जीलानी नक्शबंदी जो फुलहार अने साल से स्वागत करें। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। अज़रीन इकराम इन बुढ़िया आऊँ विनती कई जनाब हुसैन पटेल सरपंच के या मोहम्मद हारून अली मोहम्मद हारून शाह साहब के जो अची करें अने मुन आती जो स्वागत है। जिंदाबाद जी के अजीब इकराम इनके साथ साथ आऊं विनती कया हुसैन पटेल सरपंच के अजे इन महफिल पाक जा कारी कुरान रज़ी अल्लामा मौलाना कारी सैयद करीम साहब को उन्हीं जो फुलहार से स्वागत करिए। हुसैन पटेल नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। अजीन इकराम इन बुढ़िया आऊँ दावत दिया आदि सलेम मोगरानी सलू मोगरानी के सालू मोगरानी के वो अची करें तांदे जुड़ी मस्जिद जा पेशवाम खतीब इमाम हजरत मौलाना अब्दुल साहेब अहमदाबादी जो फुलहार अने साल से स्वागत करिए। नारे तकबीर नारे रिसालत पंहिंजे महिमान ख़ुशूसी आफिस जीलानी साहिब जो फुलहार से स्वागत था कया दावत ॾिया अब्दुला ईसा बापड़ा खे अब्दुला ईसा बापड़ा उस्मान आदम ज़माने भर में तुम्हारी इज़्ज़त व शोहरत ज़माने भर में ऐ अजमल तुम्हारी इज़्ज़त व शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह नाते सरवरी की बदौलत है अल्हम्दुलिल्लाह नाते सरवरी दी की बदौलत है। अज़ीन इकराम पानी बीच में मेहमान खसूसी पर तशरीफ फरमाइए मुकर्रर ने खास आज हम सब की पोजीशन ये है इस माइक पर आने वालों की कि वो सहाबिये रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और नीचे बैठ कर सुनने वालों तुम अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर समझ में आ रही है ना बात कुछ सुना दूं। देखिए मैं इस वक्त रात के 12:11 ये देखिए कितना अच्छा सिस्टम है 12 और 11 हमसे ये कहा गया था कि 11 बजे आपको माइक मिलेगा हजरत और माइक दिया गया 12 बजे तो आप कोशिश तो कह रहे कि 12 वाले की बात होगी है कि नहीं सुनने के पूरे मूड में हो बोलिए। हाँ असीरे ताकुलो रुखसार रहिए मैं तरन्नुम में बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा
क्योंकि अगर मैंने तरन्नुम में कोशिश ही पढ़ने की तो शोरा का तबस्सुम जरूर बिगड़ जाएगा। तो आजकल अक्सर शोरा का हाल बहुत बुरा है, जो देख रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बुरा हाल है। अक्सर सबका है, अक्सरियत का हाल ये है कि एक मतला दो शेर करके शुरू करते हैं, एक मतला दो शेर, एक मतला दो शेर, एक मतला तीन शेर, एक मतला पांच शेर, एक मतला एक शेर, और जब तक मतली नहीं आ जाती उनका मतला खत्म नहीं होता। उनमें से नहीं, जितना कह रहा हूँ उतना ही सुनाऊंगा। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचे सरकार रहिए, फकीरे कुचे सरकार रहिए, और दवा मदीने से आती रहेगी, दवा दवा मदीने से आती रहेगी, नबी के इश्क में बीमार रहिए, नबी के इश्क में बीमार रहिए, और हमें चलना है। तमाम चुनौतियों को मद्देनजर रख के कह रहे हैं, हमें चलना है, तुम्हें चलना है, तुम्हें चलना है, हमें चलना है, सुए करबला हुसैनी बन के अब तैयार रहिए। तो सुन रहे हैं ना, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, आप पूरी बेदारी लाइए, हुसैनी बन के आप तैयार रहिए। तो शायर कहता है कि एक गुनहगार को और क्या चाहिए, एक गुनहगार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए, 40 दिन के लिए नहीं, उम्र भर। एक गुनहगार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए, और अहले कुफर जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए, अहले कुफर जलालत को थाना भवन, अहले सुन्नत को अहमद रजा चाहिए। बहुत होशियार हो आप लोग, अभी शेर समझो कि शेख अहमद रजा खान ये लिखकर गए, शेख अहमद रजा खान ये लिखकर गए, दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है कि शेख अहमद रजा खान ये लिखकर गए, हमको सादात की खाके पा चाहिए, हमको सादात की खाके पा चाहिए, और आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तिया कमाल अशरफी और क्या चाहिए। اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم। حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اور آپ آئیے سمجھیں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن اس پر بہت بات ہو رہی ہے، بہت سی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، قرآن ہے کیا؟ आप कहेंगे कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान आसमानी सही जो हिदायत है, कुरान जीवन का संविधान है, ये हमारा दावा है, ये हमारा क्लेम है। लेकिन इस दावे को कोई ना माने, इस दावे को कोई कबूल ना करे, क्योंकि आज के एतराज करने वाले, आज के क्वेश्चन पुट करने वाले खुदा की अहदियत के ताल्लुक से, अल्लाह के लामहदूद होने के ताल्लुक से, रब के एक होने के ताल्लुक से जब ये एतराज कर सकते हैं, तो आज के एतराज करने वाले तो ऐसे कहते माई हैंड माई गॉड, मेरा हाथ ही मेरा खुदा है। मगर अल्लाह अगर किसी ने कह दिया कि हम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, हम कुरान को आसमानी सही पर उसको हिदायत नहीं मानते, हम कुरान को जीवन का संविधान नहीं मानते, तो इस सवाल का हमारे पास क्या जवाब होगा, इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या आंसर होगा, इस प्रश्न का हमारे पास क्या उत्तर होगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात करके इधर उधर नहीं ले जाना चाहता, छोटी सी मिसाल देता हूं और आपके गोशे गुजार करता हूं, आसानी से आप समझ जाएंगे, और उससे सब वाबस्ता है कोर्ट कचहरी की। छोटी सी मिसाल देता हूं, एक वकील साहब की ऑफिस में मैं अंदर दाखिल हुआ,
तो जब मैं उनकी ऑफिस में अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उनकी टेबल पे किताब पे किताब, किताब पे किताब, उनकी अलमारी में किताब की किताब, चारों तरफ किताबों का झंडा, हर तरफ किताब। मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब ये क्या है? तो वकील साहब कहते, हुजूर ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। क्या है? मैंने कहा वकील साहब ये क्या है? कहा ये भारतीय संविधान है, ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है। मैंने कहा अच्छा अच्छा वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं, कहा कि हुजूर ये हिंदुस्तान का दस्तूर है, कानून है, नियम है, जब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम पैदा होता है, कोई मामला होते हैं, तो उसके सोल्यूशन के लिए, हल के लिए, उसका हल निकालने के लिए ये सारे कानून है। वकील साहब ये बताइए कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान आपके इस कानून के अंदर है? होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन आपके आपके इस कानून के अंदर है? इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल आपके इस कानून के अंदर है? तो वकील साहब जवाब देते, हजरत अगर ये कानून कंप्लीट होता, अगर ये कानून मुकम्मल होता, तो पार्लियामेंट में नई नई समस्याओं को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता, नई नई प्रॉब्लम को देखते हुए नया नया कानून नहीं पास होता, लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। मैंने कहा अच्छा वकील साहब ये बताइए आपका ये कानून कितने जमाने तक चलेगा, कितने बरस तक चलेगा, किस हद तक चलेगा? तो वकील साहब कहने लगे, हजरत इसकी भी कोई गारंटी नहीं लेता कि 2023 में कुछ कानून है, कुर्सी बदली तो सत्ता बदली, कानून बदला, कानून बदला, पोस्टमार्टम हो जाता, लिहाजा ये कानून कंप्लीट नहीं है, कोई दूसरा आया उसने कुछ लागू किया, कोई तीसरा आया उसने नए नए हालात को देखते हुए, ये कानून कंप्लीट नहीं है, ये कानून मुकम्मल नहीं है। तो मैं हिंदुस्तान के कानून से क्या पूछूं? मैं बर्तानिया, श्रीलंका, अफ्रीका के कानून से नहीं, मैंने उस अमरीका से पूछा जो खुद को सुपर पावर कहता है, और अमरीका तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, तो उसका समाधान तेरे पास है, होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है, इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो मेरे दोस्तों, अमेरिका का कानून भी खामोश हो गया, जर्मन का कानून भी खामोश हो गया, साउथ अफ्रीका का कानून खामोश हो गया, तब मैंने कुरान से पूछा, अरे कुरान तू बता कि मानव जात की जितनी समस्याएं हो सकती है, क्या उसका संविधान तेरे पास है, होम नीति के जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन तेरे पास है, इंसानियत के जितने मसाइल हो सकते हैं, क्या उसका हल तेरे पास है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ आज की बात छोड़ दो, 1400 साल बेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। नारे तकबीर, 1400 साल बेशतर से लेके कयामत तक के जितने मसाइल हो सकते हैं, उसका हल मेरे पास है। चाहे निकाह के मुतालिक हो, चाहे तिजारत के मुतालिक हो, चाहे ज़ियारत के मुतालिक हो, चाहे तालीम के मुतालिक हो, चाहे फजीलत के मुतालिक हो, चाहे वालिदैन के मुतालिक हो, चाहे बहन के हुकूक के ताल्लुक से हो, चाहे पड़ोसियों के ताल्लुक से हो, चाहे इल्म के ताल्लुक से हो, चाहे तालीमी बयान के ताल्लुक से हो, चाहे मुल्क के ताल्लुक से हो, उसका हल मेरे पास है। मैंने मुस्कुरा के पूछा, है कुरान क्या तुझमें चेंजिंग लाई जा सकती है? ऐ कुरान क्या तुझमें बदलाव लाया जा सकता है? ऐ कुरान क्या तुझमें तब्दीली लाई जा सकती है? तो कुरान ने कहा, कमाल अशरफ पूरे कुरान की बात छोड़ दो, सूरह की बात छोड़ दो, अरे अल्लाह के कलमे में भी तब्दीली नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो ये कुरान मखलूक का कानून नहीं है, बल्कि मखलूक को तखलीक करने वाले उस खालिक का कानून, सुभान अल्लाह, उसी रचयिता का कानून है जिसने पूरी कायनात की रचना की। यह मजमा का कानून नहीं है, ये किसी मुल्ला का कानून नहीं है, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून। कुरान हमारे लिए ये दावा है, ये कुरान
مخلوق کا نہیں بلکہ مخلوق کو تخلیق کرنے والے خالق کا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب اس قرآن کو، یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، دیکھو تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن خدا کا بے مثل کلام ہے۔ کیا ہے؟ قرآن خدا کا بے مثل کلام ہے۔ سب کا اتفاق ہے، وہ فجر والا ہو، ظہر والا ہو، عصر والا ہو، مغرب والا ہو، عشاء والا ہو، 40 دن والا ہو، 24 دن والا ہو، 36 دن والا ہو، سب کا اتفاق ہے۔ کیا اتفاق ہے؟ کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے۔ قرآن خدا کا بے مثل کلام ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اب یہیں سے سوال جنم لیتا ہے، یہ جو قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے، کیا اس لیے بے مثل ہے کہ خدا کی کتاب ہے؟ کیا اس لیے بے مثل ہے کہ خدا کی کتاب، خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثل؟ اگر خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثل ہے تو خدا کی کتاب تو اور بھی ہے۔ توریت بھی خدا کی کتاب، زبور بھی خدا کی کتاب، انجیل بھی خدا کی کتاب، اور قرآن بھی، اور کلام الہی ہونے میں سب برابر ہے، اللہ کا کلام ہونے میں، اللہ کی کتاب ہونے میں سب برابر ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا بے مثل کلام، قرآن خدا کی بے مثل کتاب۔ کوئی تو وجہ ہے جو قرآن کو بے مثل کہا گیا، کیونکہ اگر خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثل ہے تو خدا کی کتاب توریت، زبور، انجیل اور کلام الہی ہونے میں سب برابر۔ لیکن جب بات آتی ہے تو سب یہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں نہیں، قرآن خدا کی بے مثل کتاب، قرآن خدا کا بے مثل کلام۔ تو کوئی ایسی وجہ ہے جو قرآن کو بے مثل کہا گیا؟ وہی وجہ پتا لگا دو اس کے موقع پر۔ سورت توریت خدا کے، خدا کا کلام، زبور خدا کا کلام، انجیل خدا کا کلام، لیکن اس قرآن کو جو بے مثل کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یا رسول اللہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ اس قرآن کا نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے، تو جیسے میرا نبی سارے نبیوں میں بے مثل ہے، ایسے اس کا لایا ہوا کلام سارے کلاموں میں بے مثل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی لائی ہوئی کتاب ساری کتابوں میں بے مثل۔ اب یہیں سے گوشہ ابھر کر سامنے آتا ہے، اشارہ دیتا ہوں کہ جس کو نبی سے نسبت ہوئی وہ بے مثل ہو، جس کو رسول سے نسبت وہ بے مثل ہو گیا۔ قرآن کو نسبت تو قرآن بے مثل، حدیث کو نسبت حدیث بے مثل، صحابی کو نسبت صحابی بے مثل، ابو بکر کو نسبت تو ابو بکر صداقت میں بے مثل، عمر کو نسبت عمر عدالت میں بے مثل، عثمان کو نسبت عثمان سخاوت میں بے مثل، علی کو نسبت علی شجاعت و تہارت و نجابت۔ جس کو رسول سے نسبت، 12 ربیع النور آتا ہے نا، ویسے تو ہر مہینے میں 12 ہے، ویسے تو ہر مہینے میں 12 ہے، لیکن اس 12 کو مصطفیٰ سے نسبت تو یہ 12 باز ہے۔ بولو بولو، اس 12 کو کون آیا؟ اس 12 کو اللہ کا حبیب آیا، ہم سب کے دلوں کا طبیب آیا۔ یاد رکھنا، ہم جشن میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، اور جب تک زندگی رہی مناتے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا، ہم سنیوں کے پاس جشن 3 ہیں، ہم سنیوں کے پاس محفلیں 3 ہیں۔ کتنی؟ 3۔ ایک دین لانے والے کی، ایک دین پھیلانے والے کی، اور ایک دین پہنچانے والے کی۔ واہ واہ واہ، ایک دین لانے والے کی محفل، ایک دین پھیلانے والے کی، اور ایک دین بچانے والے کی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت تینوں کا ذکر کرتے ہیں، تینوں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں، تینوں کے نام پہ مرنے مٹنے کو تیار ہیں۔ سنو، ہم جشن میلاد مناتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس رسول کا جشن مناتے ہیں۔
जो रसूल दीन लाने वाला है, जो रसूल दीन लाने वाला है, और गौसे आजम का जश्न, गरीब नवाज का जश्न, महबूबे इलाही का जश्न, मखदूम अशरफ का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स, सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स इसलिए मनाते हैं, ये बतलाने के लिए ये दीन फैलाने वाले हैं, ये दीन फैलाने वाले हैं, और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि कर्बला का इमाम दीन बचाने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, शहीद आजम, जश्ने औलिया, हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं, तीनों के नाम पे मस्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तीनों की बात आती शिर्क है, बिदअत है, हराम है। नहीं नहीं, शिर्क मालूम ना बिदअत की ना हराम की, ये तो कुछ पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों का हाल है, कुछ इनसे भी बदतर है। 40 दिन जमात में गए, पता नहीं क्या समझाया गया, बुझाया गया। आए एक सीधा साधा, सीधे साधे लोग गांव में बैठे थे। एक शख्स गया 40 दिन मुंबई में जमा कर दिया और गांव वालों में आके कह रहा था गौसे आजम से मदद मांगना शिर्क है, गरीब नवाज से मांगना शिर्क है। एक भोला भाला सुन्नी बैठे बैठे उसकी शिर्क शिर्क सुनकर शर्म गई थी। बोला मौली साहब, इस सिरिक सिरिक की रड बंद करो, वरना हम तुम्हारे सिरिक को सिरिका में डाल के सूख लेंगे। अरे मिलाद शिर्क नहीं है, शिर्क से बचाता, शिर्क से बचाता, क्योंकि मिलाद मना के हम ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ, और जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं। तो मिलाद मना के हम ये बताते हैं कि मेरा नबी पैदा हुआ, तो जो पैदा हो खुदा नहीं, तो मिलाद मना के बताते हैं खुदा नहीं, और अजमत मुस्तफा बयान कर करके समझाते हैं खुदा से जुदा नहीं। ना खुदा कहो ना खुदा से जुदा कहो, कहना है तो महबूबे दो जहां कहो, महबूबे खुदा कहो। इस्लामिया माहौल में देख रहा हूँ बहुत खूबसूरत है, और आज हम और आप अल्लाह के एक मौजूदा महबूब और मकबूल बंदे हजरत सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह उसे पाक की तकरीब में उनके जेर साया आज है। मेरी दुआ है कि इस खूबसूरत माहौल में आप भी खूबसूरत हो जाए। वक्त का तकाजा है कि माहौल को खूबसूरत बनाया जाए, और वक्त हमसे ये भी मुतालबा कर रहा है कि जरूरत है कि सूफिया इकराम बुजुर्गान दीन की तालीमात और उनकी रवायात को जिंदा रखें। आज याद रखिएगा, मैं इस यकीन, इस नजरिए, इस अकीदे के साथ उठिए खिताबत पर मुतमक्की हूं कि जहां आप हजरात बैठकर मेरी बात सुन रहे हैं, वहीं साहिब मजार जो जेर मजार है वो भी मेरी बात सुन रहे हैं। दोस्तों, वक्त हमसे मुतालबा कर रहा है, तकाजा कर रहा है कि हम अपनी अजीम खानकाहों के पैगाम को नष्ट करें। सबसे अहम और बुनियादी चीज जो है वो ये है कि हम और आप सब मिलकर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें। क्या पैदा करें? थोड़ी देर आपके दरमियान हाजिर हूं। हम और आप मिलकर सब क्या पैदा करें अपने अंदर? इत्तेहाद पैदा करें, यूनिटी पैदा करें, एकता पैदा करें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। वापस मुझे हब्लिल्लाह जमीन वला करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। क्या मतलब? बट कर ना रहो, जुदा जुदा ना रहो, अलग अलग ना रहो, बल्कि मुत्तहिद हो जाओ। दोस्तों, ये कुरान हमसे क्यों मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो? जब इस आयत करीमा के अंदर हम झांक कर देखते हैं तो ये बात उभर कर सामने आती है कि इख्तिलाफ, इंतशार, इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा, ये वही पैदा होता है जिसने रस्सी को मजबूती से ना पकड़ा। अब ये रस्सी क्या चीज है? अल्लाह की रस्सी, ये भी सुन लीजिए इस उर्से पाक के मौके पर। अल्लाह की रस्सी क्या? हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी।
इस सिलसिले में मुफस्सिरे इकराम ने जो तफसीर बयान की, तीन तफसीर मेरी नजरों से गुजरी, अब लिखी जो तफसीर है वो तीन, कितनी है बोलिए, तीन। पहली तफसीर अब्दुल्लाह, अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का दीन है। क्या है? देखिए मैं बहुत आसान करके कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह का, अल्लाह की रस्सी से मुराद पहली तफसीर अल्लाह का दीन है। अब सवाल पैदा होता है अल्लाह का दीन क्या है? तो जवाब मिला इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। तो क्या मतलब हुआ? अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो, अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ने का मतलब जो भी दीन की तालीमात है, हिदायात है, उस पर अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है, पकड़ने का मतलब क्या है? जो भी दीन की तालीमात है, हिदायात है, उस पर क्या करो? बोलिए, अमल करो। पकड़ने का मतलब ये है। एक साहब हमसे कहने लगे, हजरत हमने दीन को पकड़ रखा है, हमने दीन को पकड़ रखा है। हमने कहा कहां पकड़ रखा है, कैसे पकड़ रखा है, बताओ तो सही। आसान हो रही है नमाज के लिए मस्जिद ना जाओ, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने सेहत दिया है, रोजा ना रखो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे निसाब हो, ज़कात अदा ना करो, ये दीन का पकड़ना है। साहिबे इस्तेहसान हो, हज ना करो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने दौलत दिया है, बेवाओं का सहारा ना बनो, ये दीन का पकड़ना है। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ ना फेरो, ये दीन का पकड़ना है। गरीबों की मदद ना करो, ये दीन का पकड़ना है। पड़ोसियों का ख्याल ना रखो, ये दीन का पकड़ना है। माँ बाप से जबान लड़ाओ, उनकी तौहीन करो, ये दीन का पकड़ना है। झूठ बोलो, ये दीन का पकड़ना है। गीबत करो, ये दीन का पकड़ना है। सूद खाओ, ये दीन का पकड़ना है। नमाज छोड़ो, ये दीन का पकड़ना है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दो और नमाजी गायब हों, ये दीन का पकड़ना है। शादियों में टैग लगा के गाने चलाओ चलवाओ, ये दिन का पकड़ना है। गैर शरई उमूर एडॉप्ट कर दो, ये दिन का पकड़ना है। बच्चों के सेलिब्रेट करते हो, बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसमें गैर शरई तरीके अडॉप्ट करते हो, यहूदियों के दिए हुए कल्चर लाते हो, ये दिन का पकड़ना है। नहीं क्या, ये तो बेदीन है। फिर दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? तो सुनो, दीन के पकड़ने का मतलब ये है कि पांच वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, पढ़ना हो। रोजा तुम पर फर्ज है, रखना होगा। साहिबे निसाब हो तो ज़कात तुम पर फर्ज है, देना होगा। साहिबे इस्तेदात हो तो हज तुम पर फर्ज है, करना होगा। अल्लाह ने दौलत दिया है तो बेवाओं का सहारा बनना होगा, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ फेरना होगा, पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा, वालिदैन का एहतराम करना होगा, गीबत से अपने आप को बचाना होगा, चोरी से अपने आप को रोकना होगा, तमाम बेहयाई बुराइयों से अपने आप को बचाना होगा, और अपने दीनी मामलात में, अपने रस्म व रिवाज में, शरीयत के साथे में उसे करना और अपनाना होगा। और अपने बच्चे बच्चियों की शादियों में कोई गैर शरई उमूर नहीं, शरीयत के खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि अपने बच्चे बच्चियों की शादी में जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा की महफिल का इंतजाम करना। दीन के पकड़ने का मतलब क्या है? यही पैगाम इस्लाम का है, और यही पैगाम इस्लाम लाने वाले पैगंबर इस्लाम का है, और यही पैगाम तमाम औलिया सालिहीन का भी है। एक तफसीर तो ये हो गई, बड़ी तेजी से आगे बढ़ता हूँ। दूसरी तफसीर हो गई, बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान है। क्या है? कुरान। यहाँ क्या माना, क्या मतलब हुआ? यहाँ भी वही माना, वही मतलब है। जो भी कुरान की तालीमात है, हिदायात है, उस पर अमल करो। क्या करो? अमल करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा कुरान की तालीमात और हिदायात पर अमल करना तो दूर, आज हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को एक घंटा आधी घंटा बैठकर कुरान की तिलावत करने का मौका नहीं मिलता। दो दो घंटा, तीन तीन घंटा मोबाइल की स्क्रीनों में, सरकारें में जाया कर देते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत करने के लिए 10-20 मिनट वक्त नहीं। ये कुरान, बड़ी कड़वी बातें सुन लीजिए कि ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही। कहते हाफिज जी को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ो। ये कुरान हमें तब याद आता है
ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते हैं मदरसे के तलबा को बुलाओ खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है, ये कुरान हमें तब याद आता है जबकि शादी होती है दुल्हन को दहलीज क्रॉस करके घर के अंदर लाते हैं, कहते हैं कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना ले पाओ। ये कुरान तुम्हें तकलीफों में याद आया, ये कुरान तुम्हें दुखों में याद आया, ये कुरान सिर्फ परेशानियों में, खुशियों में कुरान क्यों नहीं आया? जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब कुरान क्यों नहीं आया? जब उनके अकीदे का फंक्शन कर रहे थे तब तो यहूदियों का कल्चर आ रहे तब कुरान क्यों नहीं याद आया? अजीज आलिम मिल्लत इस्लामिया ये महफिल ये मजलिस याद रखे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबख्त और खुश नसीब होते वो लोग जिनको अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा मजालिस में हाजिरी का शरफ अता करता है। आखा नबी रहमत जनाब हमदे मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही सदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी हेजा मरतु लिराज जन्नत फक ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। क्या किया करो? जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। अस्हाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है जहाँ हम जाएं अपनी खुराक लें कुछ खा लें कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले जिस जन्नत का आपने जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से है, लेकिन आप फरमाए हैं जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा लो पी लो। प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ है? कुर्बान जाए खुदा की कसम रहमतुल आलमीन की रहमत पर हुजूर के गुलामों में आकर इरशाद फरमाते हैं मजारिफुस ज़िक्र जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। जहां अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह बोलिए जन्नत का बाग। इस वक्त हदीसे रसूल की रोशनी में आप जन्नत के बाग में हैं। कहां है बोलिए? जन्नत के बाग में है। अभी से रसूल की रोशनी जन्नत के बाग में है। जन्नत जन्नत का बाग जन्नत है। कोई सरफिरा खड़ा होकर कह सकता हजरत जन्नत है तो नजर आनी चाहिए, जन्नत है तो दिखनी चाहिए, है ना? वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत। तवज्जे तवज्जे वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुमने देखकर माना जन्नत, अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी। तवज्जे तवज्जे अगर तुमने देखकर माना जन्नत तो वसीला तेरी आंखें बनेंगी आंखें और जमाने मुस्तफा से तुझे माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेगी। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो वो रब तुम्हें दिखा के नहीं बल्कि जमाने मुस्तफा से सुनवा के बनवाना। नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत शाने मुस्तफा नारे तकबीर वाह 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 सुभान। रब चाहे तो दिखा सकता है पर दिखाता नहीं। क्यों? तो वसीला तेरी आंखें देख कर माना तो वसीला तुम्हारी आंखें और ज़बाने मुस्तफा से सुन कर माना तो वसीला मुस्तफा होंगे। तो वो रब दिखा के नहीं ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के माना। तो इस वक्त आप कहाँ हैं हदीसे रसूल की रोशनी में? बोलिए बोलिए कहाँ हैं? जन्नत के बाग में है। जन्नत के देखिए एक हदीसे रसूल में एक सेंटेंस में कितने राग हुजूर ने पाठ कर। आज कुछ लोग आते हैं ना हम लोगों के पास आते हैं जहाँ जाओ हुजूर बड़ी तकलीफ चल रही है लोचा के हो गया हो गई हुजूर किसी ने जादू कर दिया है किसी ने टोना कर दिया है। क्यों ना नहीं टोना हुजूर किसी ने करतब कर दिया है किसी ने कुछ करा दिया है किसी ने ये कर दिया है किसी ने वो कर दिया है। हर घर में टेंशन है कहीं सास बहू का झगड़ा है कहीं भाई भाई का झगड़ा है कहीं पड़ोसी का इख्तलाफ है। हर घर में टेंशन है परेशानी है तकलीफें हैं नौजतें हैं। आते हुजूर ताबीज दे दीजिए हुजूर गंडा दे दीजिए बड़ी परेशानी चल रही है बेबरकती चल रही बहुत मामला खराब है। आते हैं हमारे आज इस उर्से पाक के मौके पर इसी हदीस रसूल की रोशनी में तुम्हें ताबीज देता हूँ। क्या फरमाया हुजूर ने? जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह बोलिए बोलिए वो जगह
जन्नत का बाग जहाँ कुरान की तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो, रसूल का जिक्र हो, वो जगह क्या है? जन्नत का बाग। एक मिनट जिक्र हो तो एक मिनट जन्नत का बाग, पांच मिनट जिक्र हो तो पांच मिनट जन्नत का बाग, एक घंटा जिक्र हो तो एक घंटा जन्नत का बाग, दो घंटा जिक्र हो तो दो घंटा जन्नत का बाग, चौबीस घंटा जिक्र हो तो चौबीस घंटा जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूँ अल्लाह हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का हर वक्त जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत, तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। और जब तुम्हारा घर जन्नत बन जाए तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती। उसके रसूल का जिक्र करो, अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, तुम्हारा घर जन्नत का बाग बन जाएगा, जन्नत बन जाएगी। और जब जन्नत, तो फिर जन्नत में तकलीफें नहीं। एक हदीस रसूल में एक सेंटेंस में सरकार ने खुदा के सर पढ़ो हदीस पाक, दिल में इश्क मुस्तफा बसा के पढ़ो हदीस पाक। क्या फरमाया? जी जना अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जना जन्नत का भाग। और सोचो आज पंद्रहवीं सदी चल रही है, आज हम जैसे गुनहगार बैठ कर कुरबान जाओ हुजूर की रहमत पर, खुदा की कसम हुजूर की करीमी पर, करम नवाजी पर, आज पंद्रहवीं सदी चल रही है, हम जैसे गुनहगार जहां बैठ कर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा कर दे, वो जगह जन्नत का भाग बन जाए, तो सोचो उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर उमर, उस्मान अली, सुहेबे रूसी, सलमान फारसी, असहाबे पैगंबर की उन महफिलों और मजलिसों का हाल क्या रहा होगा जहां जिक्र रसूल ही नहीं, खुद जाते रसूल जलवा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान सहाबाए किराम, शान औलिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, तो तफसीर आपने सुन ली, समेट लेता हूँ तीसरी तफसीर। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद दामने अहले बैत है। क्या है? देखिए, दामन का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि दामन कलब इसलिए इस्तेमाल कर दिया कि आपको पनाह मिल जाए। तो तीसरी सबसे बात मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दामन, सैयदना इमाम जाफर साबित फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दामन अहले बैत। लेकिन तीसरी तफसीर दोस्तों ऐसी है, खुदा की कसम ये तीसरी तफसीर ऐसी है, तवज्जो चाहूंगा, ये तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं। ये तीसरी तफसीर ऐसी है जिसमें पिछली दोनों तफसीरें हैं। कहोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे कि जिन्हें अहले बैत मिल गए उन्हें कुरान भी मिल गया, उन्हें दीन भी मिल गया। ये तीसरा कौन? पिछले दोनों को जाने, क्योंकि जहां अहले बैत होंगे वहां कुरान होगा, जहां अहले बैत होंगे वहां दीन होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अहले बैत हो और बेदीनी हो। रवायत भी पेश कर दूं, याद आ गई तंदूर रुमाल की, अली जुम माल कुरान व कुरान मा अली की, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, न ये इससे जुदा न ये उससे जुदा। मतलब ये है तुम कुरान समझना चाहते हो, दीन समझना चाहते हो, अहले बैत की बारगाह में आओ, यहां तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें कुरान भी समझ में आएगा, यहाँ तुम्हें दीन भी समझ में आएगा। मालूम हुआ जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो दीनदार, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो तालीम याफ्ता, जिन्हें अहले बैत का कुर्ब मिला वो हिदायत वाले। हमें वो बेदीन हो ही नहीं सकते जिनके हाथ में अहले बैत का। याद रख
रखना। अदावत अहले बैत की बुनियाद पर तुम अमीर तो हो सकते हो लेकिन मुस्तफा के दर के फकीर नहीं हो सकते। याद रखो ये अहले सुन्नत वल जमात की किस्मत है, इनके पास कुरान भी है नबी का खानदान भी, कुरान भी है नबी का खानदान भी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह पाक अहले सुन्नत वल जमात को नजर बद की नजर से बचाए, हाफिज़ीन की हफ़ज़त से बचाए, मुफ़्सिदीन के फसाद से बचाए। याद रखना हुजूर के गुलामों, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं जो किसी के सहारे नहीं चलते। ये सुन्नी जमात किसी के सहारे नहीं, वो कोई और जमात होगी जो पाउंड डॉलर रियाल और ख्याल की बुनियाद पे चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात न बरतानवी पाउंड की बुनियाद पर चलते हैं, न सऊदी रियाल की बुनियाद पर चलते हैं, न यहूदी ख्याल की बुनियाद पर चलते हैं। अरे हम चलते हैं तो मुस्तफा और उनकी आल की बुनियाद पर, इन वलियों के जाहो जलाल की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और याद रखना अपने सरकार शहंशाह तोरा, हज़रत सरकार इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह के इस दूसरे पाक के इस मुबारक स्टेज से फकीर आसिफ गदाए जिलानी सैयद मोहम्मद हसन कमाल अशरफ अपने पूरे खानवादे अशरफिया की नुमाइंदगी करते हुए तुम्हें पैगाम देता है हुजूर के गुलामों कि वो कोई और जमात होगी जो अपने कदम से चलती होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात अपने कदम से नहीं मदीने वाले के करम से चलते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने कदम से नहीं मदीने वाले के करम से चलते हैं। और याद रखना करम से चलने वालों के पांव लड़खड़ा जाते हैं लेकिन जो मुस्तफा के करम से चलते हैं उनके पांव लड़खड़ाया नहीं करते, उनके पांव लड़खड़ाया नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मुस्तफा के करम से चले उसे सिद्दीके अकबर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे फारूक आजम कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे उस्मान गनी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अली मुर्तजा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सोहेब रूमी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सलमान फारसी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे बुजरो अनमार कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे तलहा व जुबैर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सैयद कायनात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हसन कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम हुसैन शहीद करबला कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस्साजिदीन कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम बाकर कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम मूसा कासिम कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम अली रज़ा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे इमाम जुबा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सहाबा की जमात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे अहले बैत रसूलुल्लाह कहते हैं, अरे जो मुस्तफा के करम से चले उसे अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे ख्वाजा ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती हसन संजरी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, जो निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे दाता लाहौरी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे ज़करिया मुल्तानी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे शाह आलम कुतुबे आलम कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे गौसुल आलम महबूबे यस्तानी तारिकुस सल्तनत मीर कबीर ओहदुद्दीन सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे सरकार इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे गुजरात कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे किशोशा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे बरेली कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे महरेला कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे देवा कहते हैं, जो मुस्तफा के करम से चले उसे साबित करियरी कहते हैं, अरे तो जो मुस्तफा के करम से चले उसे वफादार कहते हैं।
बाबा